आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में नागरिकों की हत्या को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और बीते करीब 13 दिन में अब तक 11 लोगों की हत्या हुई है। सबसे ज्यादा बिहार के मजदूर मारे गए हैं और कल भी आतंकियों ने कुलगाम में बिहार के 2 मजदूरों की हत्या कर दी। इस पर बिहार में विपक्ष और पक्ष आमने सामने आ गया है। आरजेडी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा लगातार हो रही इन हत्याओं को लेकर सरकार पर हमलावर है। तो सियासत पूरे जोरों पर है। जिस तरीके से बिहार के 2 मजदूरों को आतंकवादियों ने मार दिया, बिहार के मजदूरों की जम्मू कश्मीर में हत्या को लेकर एबीपी न्यूज़ ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से बात की। सुशील मोदी का कहना है कि 2 साल से जो अमन घाटी में है उसे आतंकी खराब करना चाहते हैं और इसके लिए वो सॉफ्ट टारगेट यानी बिहारी मजदूरों को चुन रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कहना है पूर्व मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, माफ कीजिए। हम लोगों को लग रहा कि टारगेट ये है कि इस भय से जो माइग्रेंट वहाँ गए हुए हैं वो लौट जाएं, एक भय का माहौल पैदा हो गैर कश्मीरी लोगों के बीच में, यही उनका टारगेट हो सकता है। लेकिन सरकार पूरी तरह से सतर्क है और हम लोगों को पूरा भरोसा है केंद्र की सरकार पर और वहाँ के प्रशासन पर। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 1 दर्जन से ज़्यादा आतंकवादी अभी तक मारे जा चुके हैं। उन इलाकों की घेरेबंदी कर वैसे लोगों को टारगेट कर खोजना, तो देखिए केंद्र की सरकार पर पूरा भरोसा हम लोगों को है। इसे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और कश्मीर एक संवेदनशील मामला है, इसलिए कोई भी टिक्का टिप्पणी करने के पहले लोगों को सारी चीज़ों पर बहुत सावधानी से बयान देना चाहिए। बिहार में जबरदस्त राजनीति हो रही है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि यहाँ पर मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है इसलिए उन्हें पलायन करना पड़ता है और दूसरे जगह जा कर के रोजी रोटी कमानी पड़ती है। आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही इस बारे में? नहीं सर, नहीं देखिए, पलायन आज का मुद्दा नहीं है। 150 साल पहले भी बिहार के लोग मॉरिशस में गए थे, तो यूपी हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, इन राज्यों के लोग पहले से जाते रहे हैं। अरे बात तो सही है कि रोजी रोटी की कमी, तभी तो लोग बाहर जाते हैं। हम लोगों की सरकार ने प्रयास किया, अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा कमाने से आप रोक नहीं सकते हैं। तो ज़्यादा कमाने के लिए कोई भी बाहर जा सकता है, इसलिए वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि 2 साल तक एक शांति का माहौल बना रहा, अब अचानक जो आतंकवादी जो हैं वो सक्रिय हो गए और सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। आपने कहा मोदी जी कि 3 से 4 लाख बिहारी मजदूर हैं वहाँ पे, तो कुछ लोगों की मौत हो गई, बाकी लोग जो वहाँ पर हैं उन लोगों को किस तरह का सिक्योरिटी कवर देना दिया जाना चाहिए? क्या मनोज सिन्हा जी से आप भी बात किए? नहीं, मेरी परसों बातचीत हुई थी और सभी लोग चिंतित हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अब देखिए, एक एक आदमी को तो सिक्योरिटी कवर दिया नहीं जा सकता है, कोई एक जगह तो लोग हैं नहीं, लोग छोटे छोटे कस्बों में गांवों के अंदर हैं, तो आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर ही उसका मुकाबला किया जा सकता है। क्योंकि बड़ी संख्या में जो पंडित थे, कश्मीरी हिंदू थे, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए केंद्र की सरकार ने योजना बनाई थी। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार वहाँ पर मिला है, सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी हिंदुओं को पिछले 4 साल के अंदर बसाया गया, रोजगार दिया गया है। कश्मीरी पंडित लौट कर आ रहे थे और देखिए वहाँ के स्थानीय जो हिंदू और मुसलमान हैं उनमें बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध है, लेकिन ये आतंकवादी चाहते हैं कि वहाँ का जो सांप्रदायिक ताना बाना है उसको वो छिन विछिन करना चाहते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।